भाजपा सरकार द्वारा हरियाणा में 105 सरकारी स्कूल बंद किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र द्वारा गांव ईसरगढ़ और मसाना स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के परिवारजनों ने भी प्रदर्शन को समर्थन देते हुए प्रदर्शन में भाग लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी ने कहा कि अगर जल्द ही खट्टर सरकार ने ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। बता दें, कुरुक्षेत्र जिले में भी 14 स्कूलों को बंद करने के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव ईशरगढ़ में मथाणा के राजकीय मिडिल स्कूल पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मेवस राम आर्य की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में ग्रामीण भी उतर आए। जिलाध्यक्ष मेवस राम आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों को बंद करके शिक्षा का बंटाधार करने का काम कर रही है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने का बहाना बनाकर बंद कर रही है, जबकि असलियत ये है कि स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। आम आदमी पार्टी उत्तरी जोन के उपाध्यक्ष विशाल खुब्बर ने कहा कि सरकार ओछी मानसिकता पर उतर आई है। धरने में पंचायती राज उत्तरी जोन के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी भी शामिल हुए। सरकार से इस खट्टर सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करने का मन बना लिया है। हम खट्टर सरकार को एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को शिक्षा दे नहीं सकते तो आपको छीनने का भी अधिकार नहीं है। आपको अपना ये तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ेगा, इन स्कूलों को बहाल करना पड़ेगा। ये जो 105 स्कूल हैं, इसमें हरियाणा का भविष्य पड़ता है और हरियाणा के भविष्य के ऊपर चोट आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं लगने देगा। हम दिन रात इसी प्रकार से इन सरकारी स्कूलों के सामने खड़े होकर आपकी इस नाकार योजना का विरोध करेंगे और लोगों के बीच में जाकर आपकी इस नाकामी को बताएंगे। खट्टर सरकार एक सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, जबकि सरकारों को खोलना चाहिए। पड़ोसी राज्य में दिल्ली सरकार के अंदर अच्छे से सरकारी स्कूल बनाए।